अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक दफ़ा फिर उमेर प्लाजा में आया हूँ और ए बी एन कंप्यूटर शॉप है और कमरान भाई मेरे साथ हैं और इनके पास अभी ये जो एक रेंडरिंग मशीन है वर्क स्टेशन है, तो इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्पेक्स लगे हुए हैं, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, प्रोसेसर रैम क्या क्या इसके अंदर लगे, उनकी प्राइस क्या है। तो अभी जो डॉलर जैसे ऊपर नीचे होता है तो प्राइस भी इनकी ऊपर नीचे होती है, जैसे अभी डॉलर काफ़ी महंगा हो चुका है, पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके मुकाबले में गिर चुकी है, तो अभी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो प्राइस शायद आपको अगर ज़्यादा लगे तो, क्योंकि डॉलर की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है, एक जगह प्राइस तो रहती नहीं है। तो कमरान भाई से पूछते हैं, सर ये बताइए कि अभी ये जो मशीन है हमारे पास, इसके क्या स्पेक्स हैं और उनकी प्राइस, हर एक 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 पार्ट्स की जो हमें आप प्राइस बताएं। सर जी, ये वर्क स्टेशन है और ये मतलब हैवी स्पेक्स में है, इसमें DDR4 रैम लगती है और उसके जो प्रोसेसर लगा ना E52680B3, और जिसकी 30 MB कैशी है और इसके 12 कोर हैं और 28 थ्रेड्स होते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल हैवी काम करने के लिए, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक वो रेंडरिंग और प्रीमियर प्रो के लिए, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट वगैरह चलाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा इसके साथ ये ग्राफिक कार्ड है, मतलब जो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है ये वाला कार्ड, मतलब हैवी काम करने के लिए। मतलब जो NVIDIA क्वाड्रो का ये मॉडल कौन सा है? ये क्वाड्रो K5000 मॉडल है, ठीक है ना, इसकी 4GB मेमोरी है और ये 256 बिट में DDR5, ठीक है, और डायरेक्टर्स 12, वो जो मतलब हैवी सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए यूज़ होता है, तो ये प्रोफेशनल कार्ड है ये वाला, ठीक है। और सिर्फ इस जो ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी क्या प्राइस है? ये ग्राफिक कार्ड 29,000 का, जो आज का जो करंट प्राइस है इसकी ना, तो लेकिन प्राइस ऊपर नीचे मतलब वो चलती रहती है, कभी ऊपर भी चली जाएगी कभी नीचे हो जाएगी, ठीक है, तो साथ चलता रहता है इसके, ठीक है। और उसकी कंडीशन ये तकरीबन 10x10 है या 9x10, इसको क्या कंडीशन? इसकी 10x10 है, मतलब 10x10 कंडीशन में सामान होता है हमारे पास। और जो इसके अलावा DDR4 में मशीन है, इसके अलावा हमारे पास DDR3 वाली मशीन भी होती हैं, लो बजट वाली भी हैं, हाई बजट वाली भी हैं, ठीक है। तो इसमें अभी कितनी रैम लगी हुई है? इसमें अभी 32 GB DDR4 रैम है, 32 GB DDR4, और इसमें जो जो रैम लगी है उसके कितने हर्ट्ज में है? इसमें ना ये जो रैम लगी है ये 2400 MHz है, अच्छा, DDR4 वाली, इसमें 3200 MHz भी आती है, वो भी इसमें ये स्पोर्टेड है मशीन, वो भी चलाती है, ठीक है, ठीक है ना, वो भी चलेगी इसके। और जो इसमें प्रोसेसर लगा है वो कितने हर्ट्ज का, मेगाहर्ट्ज का? वो प्रोसेसर इसमें लगा है E52680V3 का ना, ये 2.8 GHz में होता है, लेकिन इसकी 30 MB कैशे होती है, ठीक है, और उसके 12 कोर्स हैं, ठीक है, और 28 थ्रेड्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसमें ये जो इस पर मदरबोर्ड जो लगा है ये मैक्सिमम कितने जीबी तक रैम सपोर्ट करता है? सर ये जो मदरबोर्ड लगा है ये 128 GB तक सपोर्टेड है, अच्छा 128 GB तक सपोर्ट करता है। और स्लॉट कितनी है रैम की? रैम की इसमें 8 स्लॉट है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा हम जी बिल्कुल फुल प्रोफेशनल मशीन है, हाई एंड मशीन जो। अच्छा, प्रोसेसर इसमें एक लगता है या दो लगते हैं? ये सिंगल प्रोसेसर में, आप इसी के अंदर एक ड्यूल प्रोसेसर की मशीन आती है, ठीक है, ये इसका मॉडल है P500 ना, इसके बाद मशीन आती है P700, वो मशीन भी नेक्स्ट वीक आ रही है, उसके बाद एक मशीन आती है P900, वो भी नेक्स्ट वीक में मेरे पास सामान आ रहा है, वो ड्यूल प्रोसेसर में होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है अभी? हार्ड डिस्क के अंदर आप साटा भी लगा, छोटी साटा नॉर्मल हार्ड भी लगा सकते हैं, SSD ड्राइव भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर M2 साटा के ऑप्शन भी है, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। नहीं, जब भी आपने इसके अंदर जो तैयार है मशीन, इसके अंदर कौन सी लगाई हुई है? इसके अंदर SSD ड्राइव लगी हुई है एक, वो कितनी है? 256 GB में, वो साथ 2 TB हार्ड ड्राइव है। और जो SSD लगी है टू कितनी है? 56 256 GB SSD ड्राइव, उसकी क्या प्राइस है? सिर्फ उसकी SSD 5800 की, ठीक है, प्राइस है उसकी ना। और जो 2 TB हार्ड ड्राइव है वो 6000 की है, 6000 रुपये की। और ये जो 32 GB आपने इसमें इसके अंदर रैम लगाई हुई है कितने है? 2400 MHz की है जी, 2400 MHz। और उसकी क्या प्राइस है? जो 32 GB रैम है इसमें 16 GB के दो मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जो एक मॉड्यूल की प्राइस है वो 10,000 है, 10,000 की एक रैम है, 16 GB की, हाँ 16 GB की, और दो रैम 20 में हो जाएगी, तो इसको आप 64 GB रैम भी काट सकते हैं, 128 भी काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मशीन में जो प्रोसेसर अभी लगा हुआ है उसको हम चेंज करके अपग्रेड भी कर सकते हैं या जो लगा है वही रहेगा? इसको चेंज हो सकता है, इससे नीचे वाला मॉडल भी इसमें लगा सकते हैं प्रोसेसर का, अच्छा, इससे ऊपर वाला मॉडल भी इसमें लग सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चेंजेबल होती हैं। और इस मदरबोर्ड में वाईफाई बिल्ट इन तो नहीं है? वाईफाई बिल्ट इन नहीं होता, वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं, USB में हम लगा सकते हैं, USB वाईफाई यूज़ कर लें, या इसके अंदर आप स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं, PCI Express स्लॉट में वो भी लगा सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा ये बताएं अभी ये जो टोटल सिस्टम है अभी ये कितने है, इसकी क्या प्राइस है, जिस जो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं 32 GB रैम है, जैसे जो प्रोसेसर आपने बताया वो लगा है, और ये ग्राफिक कार्ड के साथ? सर जी ये तकरीबन ये मशीन बनती है ना, ये ग्राफिक कार्ड ये पर लगा के 5000 32 GB रैम, 256 GB SSD प्लस 2 TB हार्ड ड्राइव, 145000 की मशीन मतलब सेल हो रही है, 1,45,000 रुपये की। ठीक है जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी जो इसमें हम अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये केसिंग वगैरह में, इसमें हार्ड डिस्क की ऑप्शन कितनी होती है? इसमें आप जो ना 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, मतलब 4 TB के लगा लें, 6 TB के लगा लें, या 8 TB के लगा लें, मशीन सपोर्टेड है, उसका मसला नहीं है। ठीक हो। और इसमें सप्लाई कितना वाट की लगी है? 650 वाट पावर सप्लाई होती है। 650 वाट, ठीक हो गया। अच्छा इस पीसी पर हम गेमिंग भी कर सकते हैं या सिर्फ ये वीडियो एडिटिंग के लिए? सर वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, गेमिंग, जितने भी आपके हैवी काम्स हैं ना, ये उस पर्पस के लिए मशीन डिज़ाइन हुई है, वो सारे काम आप कर सकते हैं, इसलिए मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों ये जो रेंडरिंग मशीन है हैवी काम के लिए, इसके जो अंदर स्पेक्स हैं उनकी प्राइस हमने बताई है आपको। तो ये अगर आप शॉप से अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो शॉप का एड्रेस जो है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या इस मशीन के अलावा इससे मिलती जुलती किसी और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई चीज़ बाय करनी है तो वो कॉन्टैक्ट शॉप का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, शॉप का एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, आप शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।